तो स्वागत है आप सबका इस स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में। मैं हूं अर्णव और मैं तन्मय। और आप देख रहे हैं वीआर हब टीवी। तो जैसा कि आप सब ने देखा है कि रीसेंट वीक्स में बार्सिलोना के परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। बार्सिलोना आखिरी दिन पे यूसीएल के ग्रुप स्टेजेस में सेकंड पे पहुंच गए, जिसका मतलब है कि उन्हें काफी डिफिकल्ट ऑपोजिशन मिल सकता है राउंड ऑफ 16 में। और डोमेस्टिक लीग में भी बार्सा की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है और अभी काफी नीचे चल रही है, जो जो उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। तो काफी प्रॉब्लम्स है बार्सिलोना की टीम में, बट आंसर्स किसी के पास नहीं है। तो उन्हीं आंसर्स को जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं कैंप नो से रोनाल्ड कोमन सस्ता ट्रंप। और उनसे गुफ्तगु करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं वेदांत। तो ओवर टू यू वेदांत। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉर्मेशन से। व्हाई डू वी ऑलवेज प्ले विद 4-2-3-1 फॉर्मेशन जब आपको पता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? आप इतने ज्यादा अड़ियल कैसे हो सकते हैं? देखो, यही फॉर्मेशन हम शुरू से खेलते हुए जब हम बार्सिलोना में खेलते थे, प्लस लास्ट जो हम नेदरलैंड की टीम को खिलाए वो भी यही फॉर्मेशन से खेलती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही फॉर्मेशन मेरे स्टाइल ऑफ गेम को सूट करती है और मैं बार्सा को भी आगे इसी फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं सक्सेस देखता हूँ, इसीलिए मैं यही फॉर्मेशन खिलाना चाहता हूँ बार्सा। बट हम दूसरी फॉर्मेशन भी तो ट्राई कर सकते हैं। वी कैन गो विथ 3-4-3 या 4-3-3, जिससे एटलीस्ट मिडफील्ड में क्रिएटिविटी आएगी, जो इस सीजन मुझे कहीं नहीं दिखी है। देखो, 4-3-3 ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर विंगर नहीं हो, स्पेशली लेफ्ट विंगर देखेंगे ना तो लेफ्ट विंगर बिल्कुल नहीं है। आप डेम्बेलो को देख लीजिए, कुटीने को देख लीजिए, इंजर्ड रहते हैं आधे ज्यादा टाइम। तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन अच्छी है जिसमें बारसा एक अडेप्ट कर सकते हैं बढ़िया से। तो आई थिंक मेरे को 4-3-1 में ही मजा आ रहा है और इसी में हम खिलाना चाहेंगे। चलो मान लिया 4-2-3 फॉर्मेशन सही है, बट आपने कभी रिकी प्यूच को खेलते हुए देखा है? मैचेस में छोड़ो, एटलीस्ट आपने कभी ट्रेनिंग ग्राउंड में उसको खेलते हुए देखा है? सॉरी, आप किसके बारे में बात करते हैं? मैं एक्चुअली में डियोंग और बुस्केट्स को खेलते हुए देख रहा था, इसीलिए भूल गया। अबे साले। या जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड हिम टू गो ऑन अ लोन और वो लोन पे नहीं गया एंड ही इज स्टिल फाइटिंग फॉर हिज प्लेस, ईगो हर्ट हो गया क्या आपका? नहीं, ईगो तो हट नहीं हुआ। हाँ, तो मैंने रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला था कि अगर हमारी टीम 1-0 डाउन हो जाती है उसके बाद कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट ये कैसा एक्सक्यूज है? और जब भी मैंने ये देखा है कि जब ऐसे सिचुएशन आती है आप खुद बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। देखो, ये है तो है, इट इज व्हाट इट इज। हाँ, तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि अभी तक हमने अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं करी है, अभी भी आप हर मैच में पीएनसी लगाते हैं और दिसंबर आ गया है और इतनी बड़ी टीम में अभी तक मैसी का रोल ही डिसाइडेड नहीं है। देखो, मैसी का रोल और प्लेइंग 11 के लिए तो ऐसे बात है कि बहुत सारे यंग प्लेयर हैं जिनको कंटिन्यूस रोटेशन की जरूरत रहती है। आप एक स्टेज में सबको सभी गेम नहीं खिला सकते हैं। दूसरी चीज है, अब कुटिन्यो एंड ग्रीजमैन दोनों एक ही जगह पे खेलते हैं, जहां तक मुझे उनका गेम देखा और आपने भी देखा हो तो वो एक ही जगह पे गेम खेलने की वजह से दोनों को हर मैच आप नहीं खिला सकते कहीं ना कहीं। और मेसी का तो ऐसा है कि देखो, मेसी से तो हम लोग खुद पूछते हैं कि उसको कहाँ खेलना, मतलब ही डिसाइड कि उसको किस पोजीशन में खेलना, उसके लिए कोई जगह नहीं है, वो पूरा गेम कंट्रोल करते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, एक और क्वेश्चन है। अबे सुनो, हम है कालीन भैया और ये हमारा मिर्जापुर, हमारा जो इच्छा करेगा वो हम यहाँ करेंगे। तो ये थे बार्सिलोना के हेड कोच रोनाल्ड कोमन, जिन्होंने ये डिस्कस किया कि इस सीजन क्या चीजें गलत चल रही है एफसी बार्सिलोना के साथ। तो आज के लिए हमारे तरफ से बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ वीएआर हब टीवी पे। धन्यवाद। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो बीइंग अ बार्सिलोना फैन वी ऑल आर सो फ्रस्ट्रेटेड, बट मेरे को पक्का उम्मीद है कि हम कमबैक करेंगे बिकॉज वी आर बार्सिलोना फोर्सा बार्सा। हाँ गाइस, एक बात और, ही इज जस्ट एन एवरेज प्लेयर। So guys, do like, share and subscribe the video if you haven't subscribed it yet, and also do hit the notification bell for more videos upcoming.